बलिया बीजेपी सांसद के निधि से सड़क निर्माण के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के बैरिया विधायक सुरेंद्र सिंह ने विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। इस मौके पर उन्होंने ममता बनर्जी की तुलना सूर्पनखा की और भारतीय राजनीति का दैत्य स्वभाव की महिला बताया। सुरेंद्र सिंह ने कहा कि बंगाल की धरती पर हिंदू सुरक्षित नहीं है, बंगाल पर चिंतन सभी नेता नहीं किए तो बंगाल की हालत जम्मू कश्मीर की तरह हो जाएगी। जैसे जम्मू कश्मीर से हिंदू भगा दिए गए, वैसे बंगाल से भी हिंदू भगा दिए जाएंगे। बांग्लादेश के जितने आतंकवादी एंटी नेशनल लोग हैं जो बनाफल की सीमा में घुस गए हैं, वहां रहने वाले हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहे हैं। इसी दौरान सुरेंद्र सिंह ने ममता बनर्जी की तुलना सूर्पनखा से की है। वहीं उन्होंने पीएम मोदी की तुलना भगवान राम से की है। उन्होंने कहा कि बंगाल की धरती पर भी भगवा लहराएगा और भारत जिंदाबाद के नारे गूंजेंगे। ममता बनर्जी जो है आजकल भारतीय राजनीति की बिल्कुल जो है दैत्य स्वभाव की महिला हो गई है। वहाँ जहाँ इंसान इंसानियत की रक्षा करने का स्वभाव भी जिस भी नेता में न हो, किसी दल पार्टी से ऊपर उठ करके जहाँ मानवता करा रही हो, सड़कों पर चलते हुए लोग हत्या हो रही हो और वहाँ पर भी मुख्यमंत्री होकर के उसको संवेदना प्रकट करने का स्वभाव न हो, तो हमारी समझ से वो किसी भी नेता को अच्छा नहीं कह सकता। ममता जी का ये जो भी सोच है, बंगाल की धरती पर आज हिंदू सुरक्षित नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ पत्रकार जी, यदि बंगाल पर चिंतन यदि राष्ट्रीय सभी लोग नेता नहीं किए तो बंगाल की हालत ठीक जम्मू कश्मीर की हालत हो जाएगी। जैसे जम्मू कश्मीर से हिंदू भगा दिए गए, वैसे बंगाल से भी हिंदू भगा दिए जाएंगे। बांग्लादेश के जितने भी आतंकवादी और एंटी नेशनल लोग हैं बंगाल की सीमा में घुस गए हैं और वहाँ रहने वाले स्थानीय हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो ये परिस्थिति आ सकती है। ये मैं तो पात्र नहीं कहता हूँ, लेकिन जो सुर्पनखा का रोल था वही रोल अदा कर रही है। सुर्पनखा का रोल अदा कर रही है ममता बनर्जी। अच्छा। और जो है वो लगता है कि जो है भगवान राम के रूप में मोदी जी पैदा हो चुके हैं, वहाँ बंगाल की धरती पर भी भगवा लहरेगा और भाजपा जिंदाबाद होगी, भारत जिंदाबाद होगा। वह यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेसियों को इस समय रावण बता दिया। उन्होंने कहा कि यह लोग राम का मंदिर नहीं बनने दे रहे हैं। राहुल की भूमिका असाधारण बताते हुए कहा कि उनके पास राजनीतिक सोच नहीं है, यह प्रजातंत्र है। केवल ईवीएम मशीन का बटन दबाकर सूर्पनखा के झंडे को पस्त कर दिया जाएगा। कहना क्या है, हम रावण की संज्ञा तो नहीं कहेंगे, लेकिन रोल एकदम संस्कार और रोल तो आप जानते ही हैं। बड़ा बड़ा महारथी अपने को कहने वाले कांग्रेसी लोग हैं, कांग्रेसी लोग ही समय रावण की भूमिका में, बताइए सांसद को नहीं चलने दे रहे हैं। राम मंदिर के लिए स्पेशल विशेष व्यवस्था होने जा रही थी, राम का मंदिर जो बनने नहीं देगा वही ना रावण है। तो इस समय राहुल जी की भूमिका असाधारण है, उनके पास राजनीतिक सोच नहीं है, शुद्ध रूप से जो है विदेशी सोच है और उसी के कारण जो है वो हर चीज को परेशान। बताइए सांसद में केवल विरोध करना, बहस करने की क्षमता नहीं है, हल्ला बोल रहे हैं। भाई बहस करिए, लोकसभा तो इसके लिए चुनौती देता है हमारा नेता कि बहस करो, घंटा बहस करो, लेकिन बहस करने की क्षमता होगी तब ना। तो विधायक जी, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में नाक और कान नहीं काटा जाता, लेकिन बुलेट से नहीं होता है प्रजातंत्र। प्रजातंत्र जो है केवल एटीएम ईवीएम मशीन दबा करके सुर्पनखा के जो है झंडे को पस्त कर दिया जाएगा और भाजपा के झंडे को मस्त कर दिया जाएगा। बंगाल की धरती पर भी भाजपा और भगवा लहरेगा और उसी दिन से सुर्पनखा का अंत हो जाएगा। न्यूज बीके के लिए बलिया से मोमशाद अहमद की रिपोर्ट।